पीएम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट narendramodi.in का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हैकर ने कोविड रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइन मांगे। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया। संसद के मॉनसून सत्र से प्रश्नकाल हटाए जाने पर विपक्षी दलों का विरोध जारी। सीपीएम सांसद के रागेश ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी। दिल्ली मेट्रो की सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। पहले चरण में सिर्फ येलो लाइन पर चलेगी मेट्रो। डीएमआरसी ने पूरा शेड्यूल जारी किया। साल 2019 में केंद्रीय सशस्त्र बल के 36 जवानों ने खुदकुशी की। 6 साल में 433 जवानों ने जान गंवाई। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के दूसरे भाई एहसान खान की भी कोरोना से मौत। पिछले महीने असलम खान की हुई थी मौत। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 38,48,000 के पार हुई। 67,000 से ज्यादा लोग मारे गए।